अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ और एक आज एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ जिनका तारुफ ज़ाहिर बहुत बड़ा तारुफ है इंडस्ट्री के हवाले से, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हवाले से। और आपको ये भी अंदाज़ा है नाज़रीन कि हम हमेशा सक्सेसफुल स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आते हैं और ऐसी स्टोरीज होती हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि अपने इंडस्ट्री में रह के अपने बिजनेस को नुमाया मुकाम हासिल किया होता है उन लोगों ने। इनमें से आज एक नेम मेरे पास मौजूद है जिनका तारुफ जो अगर मैं कहूँ तो बहुत मेरे पास वर्ड्स मुझे ना थोड़े से सिलेक्टिव करने पड़े उसके लिए। पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री की जब हम बात करें, पाकिस्तान के नशेब व फराज में बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री आई, बहुत सारी चली भी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टील इंडस्ट्री की मैं आज बात करने जा रहा हूँ 1969 से उसकी फाउंडेशन है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको 50 ईयर्स हो गए हैं। बहुत सारे अवार्ड्स हैं उनके पास, बहुत सारी जिद्दत के साथ नई इंडस्ट्री इनोवेशन के साथ वो काम कर रहे हैं और आज उनके CEO मेरे साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री की, जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उनके CEO महर काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, जानता हूँ उनके ख्वाबों से तबीर तक कि इस सफ़र में क्या क्या हर्डल्स आई और 50 ईयर्स का जो ये टिनोर था किस तरह से मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है और आगे किधर को इन लोगों ने जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। जब मैं आज आपका इंट्रोडक्शन करा रहा था तो डेफिनेटली ये एक एजाज की बात है कि पाकिस्तान की बड़ी वेल नोन और टॉप 10 इंडस्ट्री में से एक नाम मॉडल स्टील इंडस्ट्री का है। तो सर ये थोड़ा सा बताइए डिटेल में, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, ख्वाबों से तबीर तक, ये कौन सा ख्वाब था जो आपके फादर ने देखा और 50 ईयर्स बिफोर और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मुकाम पर हैं? अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है, मैं इसमें यकीन रखता हूँ कि हमारे ख्वाब देखने से पहले हमारे बारे में किसी और ने ख्वाब देखा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद किसी ने मेरे वालिद साहब के बारे में देखा था ख्वाब, और मेरे बारे में किसी ने कुछ देखा होगा और फिर वो हमें भी दिखा दिया जाता। तो ये बड़ा अजीब किस्म का एक कनेक्शन है कुदरत का और उसके प्रोडक्ट इंसान का। वैसे तो हमारे पिछले 200 साल की जो 8 नस्लें हैं उसका हमारे पास हिस्ट्री है, उसमें किसी भी नस्ल में कोई कारोबारी बंदा नहीं था, ना कोई खातून, ना कोई मर्द और ना ही कोई सर्विस गवर्नमेंट का मुलाजिम। तो ये पहली जनरेशन है मेरे वालिद साहब की सूरत में, जो कि DNA हमने इंट्रोड्यूस वालिद साहब ने अपने करवाया बिजनेस का, और बड़ा अल्लाह का फजल और करम है वो पहली ही जनरेशन कामयाब हो गई। और फिर वालिद साहब को देख के फिर कुछ और कज़न्स भी कारोबार में आए। तो 69 में वालिद साहब ने ट्रेडिंग से काम शुरू किया और ट्रेडिंग आप भी सोच सकते हैं कि तकरीबन 10 टन पर मंथ की बिजनेस साइकिल पे, और उसकी मालियत होती थी तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये उस वक्त। उसके बाद फिर हम 92 में प्रोडक्शन में आए, उस वक्त हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कुछ बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग की 25,000 टन तक पहुंच चुकी थी। फिर 98 में फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 98-99 में, उस वक्त हमारी 50,000 टन पर एनम इंस्टॉल कैपेसिटी थी, और आज माशाल्लाह हमारी तकरीबन 5 लाख टन के करीब इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो ये सारा सफ़र बहुत सी नशीब-ओ-फराज और बहुत से अजीब व गरीब वाकयात कि जब इंसान फेलियर्स के बाद खड़ा होता है और फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, तो वो जब हम उसको पीछे देखते हैं ना अपनी ज़िंदगी की, मैं वालिद साहब की ज़िंदगी की और फिर अपनी ज़िंदगी के नंबर ऑफ़ फेलियर्स को देखता हूँ,
मैं देखता हूँ कि खड़े करने वाला गिनना है ना लो। और ऐसे ऐसे अजीब किस्म के फेलियर जिंदगी में आते हैं कि इंसान सोच रहा है कि अब तो के अब तो कोई चांस ही नहीं है खड़े होने का, लेकिन सब सुबह उठते हैं तो अल्लाह ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए होते हैं कि इंसान सोच रहा है कि अच्छा यार ये मैं सोचा नहीं था, ये तो फेलियर्स के समय कुछ भी नहीं है भाई, ये तो अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई, बल्कि उस फेलियर को अल्लाह अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो जब पीछे देखते हैं तो मास अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करने के और रश्क करने के कि हर फेलियर के बाद उसने उठाया, तो मास दिल की एक तसल्ली और अल्लाह के होने का एहसास अपने साथ, और फिर उन सब लोगों के जिन्होंने हमारे ख्वाब देखे उन सब ख्वाबों की तबीर नज़र आती है अब आइंदा जो जनरेशन आएगी इंशाल्लाह कारोबार में। तो ये बड़ा अजीब किस्म का एक कनेक्शन है इंसानों का अल्लाह की इरादे के साथ। सर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर होना, बीइंग ए मुस्लिम हमारा होना भी चाहिए, वो वाकई उसका हमारा यकीन है कि एक दरवाज़ा डोर बंद होता है तो कई डोर ओपन हो जाते जो हमें पता नहीं था और उसने हमारे लिए बेहतर सोचा था। तो सर वो क्या फेलियर था आप समझते हैं, कुछ ऐसी वो 50 ईयर्स में कुछ ऐसा पाया आपको लगा कि भी ये बिजनेस अब है या नहीं है? अच्छा ये फेलियर तो स्ट्रगल पीरियड ये किसी जो भी पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में बिजनेस को खड़ा करना और इतनी बड़ी इंडस्ट्री और ग्रुप की शक्ल देना। अच्छा ये फेलियर्स जो है चार किस्म के होते हैं, सोशल फेलियर है, कुछ फैमिली में कुछ दोस्तों में कुछ ऐसा हो गया कि वो इंसान को तोड़ देता है, फिर कुछ फाइनेंशियल फेलियर्स होते हैं जो कि इंसान को अपने ऑफिस में अपने प्रोडक्शन में अपने ट्रेड लाइन के अंदर अपने बैंक्स के साथ अपने सप्लायर के साथ अपने कस्टमर्स के साथ वहाँ कुछ ऐसा अजीब गरीब हो जाता है कि वो उसके बेख्तियारी सी बेबसी सी उसको नजर आती है। उसके बाद पर्सनल फेलियर बीमारी की सूरत में, उसके बाद किसी इलम की कमी और किसी स्किल्स की कमी की सूरत में, उसके बाद इस तरीके से पर्सनल फाइनेंशियल और ये फैमिली फेलियर्स, ये चारों फेलियर्स जो है ना ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और कुछ फेलियर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारी दस्तरस नहीं होती, अख्तियार नहीं होता, एक्चुअली वो ब्लेसिंग होते हैं, वो हमें सिखाने के लिए आते हैं कि आइंदा आपने इस किस्म की गलती से बचना कैसे। तो इसलिए सक्सेस हमेशा जो है ना फेलियर के ऊपर ही बनती है। अब कोई कहे कि मुझे तो कोई फेलियर हुआ ही नहीं, इसका मतलब है कि फिर जब कभी उसके साथ फेलियर हो गया तो बच नहीं पाएगा। तो इसलिए फेलियर हमेशा आगे बढ़ने की एक वजह बनते, बल्कि वो एंटीबायोटिक की तरह होते हैं और वो एक किस्म की हम अपने आप को एंटीबायोटिक लगा रहे होते हैं कि अब हम अपने आप को इम्यून कर रहे होते हैं आइंदा के लिए उन तमाम फेलियर से जो कि हो चुके, और फिर नए फेलियर ही हम पे हमला करें तो हमें तोड़ सकते हैं या हमें जोड़ सकते हैं, पुराने कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ। सर कैसा लगता है आपको एज ए सीईओ फॉर इतने बड़े अदारे का, इस अदारे को चलाना और फिर आजकल नया पाकिस्तान है चूंकि पहले तो रियल एस्टेट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, ऑब्वियसली स्टील एक बहुत ग्रोइंग हमारा सेक्टर है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो जिस तरह से टैक्सीज वगैरह और अभी थोड़ा सा काम रुक गया रियल एस्टेट सेक्टर में भी और नई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी, ऑब्वियसली आपका कंस्ट्रक्शन के साथ ही ज़्यादा रिलेशन और रिलेटेड है, तो आप क्या समझते हैं कुछ काम में फ़र्क पड़ा और आने वाले दिनों में कुछ यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ये सेक्टर थोड़ा और मज़ीद ग्रो करेगा? देखिए ये थ्रेट्स हैं और मैं सीईओशिप पे या बिजनेसमैनशिप पे यकीन नहीं रखता, ठीक है, वो मेरे जो हल्का अहबाब है वो भी इस लफ्ज़ से ना आशना है, मैं बिजनेसमैन या मैं सीईओ, हम जिस लफ्ज़ से आशना है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि इन थ्रेट्स में से इस वीकनेसेस में अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जो आज के हालात हैं मैं इसके लिए कैसे नहीं कह रहा या इसके हक में नहीं, ये हालात वाकई एक अच्छे खासे इंसान को तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इन हालात के अंदर अपने सिस्टम्स को डेवलप करता है, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाता है, अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको डेवलप करता है, जो हम कर रहे हैं, हमने अपने तमाम सिस्टम को रिविजिट किया और हमने ये सोचा कि यार इस बॉटल नेक में से कैसे निकलना, और जो इस बॉटल नेक में से निकलेगा वो इंशाल्लाह ताला उसके लिए बहुत वसी मैदान होगा, एक बहुत वसी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगी, उसके लिए बेशुमार फिर वसतें होंगी, लेकिन बस इस बॉटल नेक में से निकलना जो होता है ना वही काम है, वो एंटरप्रेन्योर जानता है। एंटरप्रेन्योर कैसे जानता है, दो किस्म के काम होते हैं, एक बड़ा आम सी फिलोसफी है जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन इसके साथ एक और फिलोसफी वो है सर्वाइवल ऑफ द थिंकर,
सर्वाइवर होते फिट, जो फिटेस्ट होता है वो स्पीड पे यकीन रखता है, वो वेलोसिटी पे यकीन रखता है, वो आइडिया के साइज पे यकीन रखता है, लेकिन जो सर्वाइवर होता थिंकर है ना वो आइडिया की क्वालिटी पे यकीन रखता है, आइडिया की टाइमिंग पे यकीन रखता है कि इम्प्लीमेंट कैसे कब करना है और कितनी उसको डोजेस किसके साथ उसको कितने केयरफुल होकर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, तो उसका होमवर्क कंप्लीट होता है जी। तो इसलिए हर वक्त वेलोसिटी साइज ये नहीं कारोबार में होता, कभी कभी आपको उस क्वालिटी ऑफ आइडिया को देखना पड़ता है, उसकी फिर टाइमिंग को देखना पड़ता है कि किस वक्त में कितना कितना है इसको कैसे लेके चलना, और फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो ये सर्वाइवल ऑफ द थिंकर, तो आप यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस फिलोसफी को लेकर चलें। और दूसरी जो बात आपने की कि कैसा लगता है आपको एज ए सीईओ इतने ग्रुप का, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे अल्लाह ने किसी बगैर अपने लुत्फ व करम से हमें नवाज दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये अदारा नहीं चला रहा, जब कभी मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों से बात करता हूँ और जब वो कहते हैं कि मेरा आज बच्चा पास हो गया, आज मेट्रो में पास हो गया, वो लोग में पास हो गया, जो मेरी टीम के मेम्बर्स हैं, चाहे वो सप्लायर्स हों, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे एम्प्लॉयज, इनका कोई तल्लक है, तो जब वो अपनी सक्सेस या अपनी अचीवमेंट जब शेयर करते हैं और जब वो अपनी बेटी की शादी या अपने बच्चे का पास होना या अपनी साइकिल से मोटरसाइकिल पे आना, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आना कि आज मैंने गाड़ी ली नए मॉडल की या आज मैंने घर का प्लॉट ले लिया, तो उस वक्त एहसास होता है पर्पज़ का, कॉज का, उस वक्त एहसास होता है कि यार खाली मुझे अपनी क्रूज़र पे खुश नहीं होना, मुझे इनकी साइकिल से मोटरसाइकिल पे आने में भी खुश होना है, और बासुकात मेरी अपनी नई गाड़ी की खुशी उनकी खुशी करके मैं उसको मान समझता हूँ कि उनके लिए वो ही अचीवमेंट इतनी बड़ी होती है कि वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन करती है और इतना ज़्यादा पर्पज़ और कोर्स क्लियर करती है हमारे लिए कि यार हम दुनिया में आए किस लिए, पैसे कमाने के लिए या लोगों को बनाने के लिए? जब लोगों को बनाएंगे पैसे खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि जब लोग बनते हैं तो पैसा खुद बखुद साफ बस बाय प्रोडक्ट पर। बेसिकली टीम वर्क और नेटवर्किंग है ना जी। तो इसलिए मैं अक्सर हम समझते हैं जब मैं वाले सब बैठते हैं आपस में बात करते हैं बस, तो हम ये सोचते हैं कि यार हम अदारे को नहीं चला रहे बल्कि ये हमें चला रहे, और इसने हमें एक लामहदूद फुर्सत दे दी हमारी शख्सियत में और हमारे अदार में और हमारे फैमिली में, इसकी वजह से हम चल रहे हैं। और बहुत से लोग जो कि अगर डायरेक्टली हम देखें अपने साथ, तो 5,000 इनडायरेक्टली के उसके साथ बेशुमार हैं, 25-30,000 लोग जो कि सिर्फ हमारी अच्छाई की वजह से चल रहे थे, और अगर हम बुराई करेंगे तो उनका खाना ख़राब हो जाएगा। तो उनकी जो जिम्मेदारी है हम पे, वो हमें अच्छा रहने पे मजबूर करती है और नए कहने पे और अपने आप को इस्लाह में रखने पे मजबूर करती है, अगर हम इस तरह से देखें तो। काशिफ साहब, मॉडल इंडस्ट्री क्यों डिफरेंट मुनफरिद है या मुख्तलिफ है अदर इंडस्ट्रीज से, जो टॉप 10 में आप लोग हैं, तो क्यों आप अपने आप को समझते हैं कि आप चेंज है सबसे, ऐसी क्या चीज़ है? बड़ी क्लैरिटी जी, क्योंकि 2005 में हमने अपनी प्रोडक्ट अवेयरनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लॉन्च किया, तो हमारे 4-5 चीज़ें हमने बड़ी खास की। एक तो प्रोडक्ट अवेयरनेस है, लोग प्रोडक्ट की फिल्म को छुपाते थे कॉम्पिटिटर्स, हमने प्रोडक्ट को खोल के सामने रख दिया कि प्रोडक्ट है क्या, कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे बनती है, इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें, वो क्वालिटी होती क्या। हमने प्रोडक्ट को बिल्कुल एक खुली किताब की तरह कस्टमर और कंज्यूमर के सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि हम समझते थे कि कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो किसी भी अदारे की तरक्की का राज है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस ने बहुत ज़्यादा की। दूसरा R&D, मुसलसल R&D किया, स्टील सारे बनाते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे बेनिफिट्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डाले जाए जो कि आम स्टील से इसको अलग कर दें। जैसे कि हमने R&D की, और उस R&D के जो पेशी डॉक्टर से किए, PhD डॉक्टर से हमारे UTs के साथ जो चल रहे थे मेटलर्जी के और स्ट्रक्चर साइंसेस के, तो फिर उनकी उस थीसिस के ऊपर उनको हमने अवार्ड दिलवाया प्रेसिडेंट से। तो हम R&D भी सर्व करते गए और सोशल अपना जो था जिम्मेदारी भी पूरी करते गए, और फिर जो स्टील डेवलप किया उसकी कंक्रीट के अंदर पकड़ री एनफोर्समेंट जो थे बाकी आम स्टील से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जब नमी आती है, जब जज्ले का झटका आता है, जब यहाँ सोनिक या वॉइस
जो वाइब्रेशन आती हैं बिल्डिंग के अंदर, तो सरिया कंक्रीट के अंदर स्लिप नहीं होता, और जब स्लिप नहीं होगा तो स्ट्रक्चर एक वन यूनिट की तरह खड़ा रहेगा। तो ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेशलिटी है, और ये हमने यूईटी के साथ मिलकर, उनके पीएचडी डॉक्टर के साथ मिलकर इसको डेवलप किया, इसको स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल हाई लेवल तक लेके गए, और फिर हमने उनको भी सर्व किया, उनके भी इज्जत बढ़ाई, और उनकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर पहचान बनी। तो इसको हम काफ़ी अर्सा फिर साथ काफ़ी लेके चले। उसके बाद जो नए ग्रेड्स आते हैं पूरे दुनिया में ASTM के अंदर, BS स्टैंडर्ड के अंदर, तो वो हम कबल अज़ वक्त जैसे वहाँ आ रहे होते हैं वैसे हम पाकिस्तान में ला रहे होते हैं, और फिर पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक इसको डेवलप कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के क्लाइमेट के मुताबिक डेवलप कर रहे होते हैं। इसमें पूरा एक आरएनडी का हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता है, किसी प्रोडक्ट को पकड़ेगा और उसकी पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग कर देगा कि बना कैसे, कब बना, क्यों बना, और इसकी खासियत क्या है। तो जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो हमें अच्छा खासा आरएनडी के अंदर हमारा पिलर है कि हम नई प्रोडक्ट डेवलप कर पाते हैं। तो ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है वो है ट्रूथफुल अप्रोच, सच, अपने से सच बोलना, अपनी टीम से सच बोलना, अपनी मशीन से सिंसियर रहना, और अपने कस्टमर से सिंसियर रहना। तो ये तीन चार चीज़ें जिसकी वजह से अदरवाइज ये 50 इयर्स का जो और आवाम का या कस्टमर का इत्माद आप पर, ये सबसे बड़ी बात है, और बेचा हुआ माल वापस किया जा सकता है। हाँ अच्छा, ये आपका एक स्लोगन कह सकते हैं इसको, ये हमारी आदत है, आदत है, हमने इसको बिखेरा नहीं कहकर, लेकिन ये है कि अगर कस्टमर को पसंद नहीं, उसे गलती होगी, हमसे गलती होगी, तो मोस्ट वेलकम, हम हाजिर हैं, क्योंकि वक्ती तौर का तो नुकसान होता है, लेकिन इंशाल्लाह शॉर्ट लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म के अंदर जो ब्रांड लॉयल्टी मिलती है वो उसको कोई मैच नहीं होगा। जी नाज़रीन, ये है काशिफ साहब हमारे साथ, आप इनके बड़े ही सॉलिड किस्म के रीजन और बातें सुन रहे हैं, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी जी काशिफ भाई, अच्छा काशिफ साहब ये बताइए, अभी पाकिस्तान में बड़ा हॉट यानी कि एक प्रोडक्ट भी है समझ लीजिए, और हम लोगों की गेम चेंजर भी है, वो सी पैक, जब नया पाकिस्तान की बात आती है समझ में तो सी पैक भी आता है। आप क्या समझते हैं सी पैक पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो आप लोगों को क्या शेयर मिलेगा? ऑब्वियसली जब नए यूनिट्स वहाँ पर लगेंगे, नई कंस्ट्रक्शन होगी पूरे उस रोड के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं आप लोगों को उसमें शेयर मिलेगा? अमूमन मैं जिन इंडस्ट्रीज से बात करता हूँ जब जाता हूँ, तो लोगों का ज़्यादा शिकवा सामने आ रहा है कि अगर पाकिस्तान इंडस्ट्री उससे प्रमोट नहीं हो रही जितनी कि चाइनीज इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है, आपका इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, ये अक्सर हम बैठते हैं, हमारे जो दोस्त चार हैं जो थिंक टैंक हैं हमारे बहुत से, जिसके अंदर मैं भी मेम्बर हूँ, वो इस पर अक्सर बात करते हैं, और देखें ये इसको हमने समझना है कि इससे हम कैसे काम ले सकते हैं सी पैक से। फेज़ वन था इसका इनिशियल फेज़, जी जी, उससे बहुत सी गलतियाँ भी हमसे हुई हैं, बहुत से फ़ायदे भी हुए हैं। अब अगर फेज़ टू में हमने गलती की तो ये हमारे लिए सफ़ेद हाथी साबित हो जाएगा। जी जी, फेज़ टू में गलती क्या नहीं करनी, वो है एस एम ईज, किसी भी मुल्क की हिस्ट्री आप उठा के देखते हैं, बड़ा हमेशा छोटा होता है, फितरत है, फितरत, ये अल्लाह का कानून है, बड़ा बड़ा नहीं हो सकता, और पैदा होते हुए बड़ा नहीं होता। तो कॉरपोरेशंस, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो लाजमी किसी न किसी वक्त में छोटा होगा, छोटे से वो जाएगा मीडियम साइज में, और मीडियम साइज पे जाएगा लार्ज साइज में। तो सी पैक में फेज टू के अंदर अब हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे थिंक टैंक्स ने, हमारे जो अदारे हैं, कॉरपोरेशन हैं, जो बिजनेस कॉरपोरेशन हैं, इन्होंने देखना है कि हम स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और वो प्लान चॉक आउट करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। वही वैसे भी सी पैक में दिया भी हुआ, लेकिन हमें खुद भी वर्क करना है, किसी ने हमें घर में आके हमारे थाली में कुछ नहीं डाल के देना, हमने उसे कहने का भाई साहब ये सी पैक का हिस्सा है, हम आपसे ये चाहते हैं, अगर हम आपको एक इज्जत दे रहे हैं, हम आपको एक फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं, हम अगर आपको एक GDP के अंदर वो ग्रोथ जो आपको चाहिए, और अपने रास्ता देख रहे हम जो आपको दे रहे हैं, हमें भाई साहब ये चाहिए, हमें अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाना है वो हमने उनको बताना है। तो इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी एग्जीक्यूशन की जरूरत है। जिस वक्त SMEs किसी भी कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में बढ़ता है, तो वहाँ क्या बढ़ता है? पर कैपिटल इनकम, इनकम बढ़ती है, नो डाउट,
और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो फिर उस मुआशरे के अंदर मिडिल क्लास बढ़ती है, और जब मिडिल क्लास बढ़ती है तो फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कभी भी नहीं बढ़ेगी अगर उस मुल्क के अंदर रिच क्लास बढ़ेगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब मिडिल क्लास बढ़ेगी और उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और वो लग्जरी आइटम्स और वो रोजमर्रा की चीजें खरीदना शुरू करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात वही है, जिस मुआशरे में अदल व इंसाफ ना हो और जिस मुआशरे में रहम ना हो तो वो फिर ये मुआशरा वो सोच नहीं पाता है इन तमाम चीज़ों पर। और सबसे बढ़कर एजुकेशन ना हो, इल्म महारत और तालीम की फरमानी ना हो, इल्म तालीम और महारत स्किल्स एजुकेशन एंड नॉलेज। और उससे पहले मैंने कहा अदरम साहब और रहम, ये चार चीज़ें अगर होंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बहर एस एम ईज जो आपने सवाल किया था, एस एम ईज जो है की रोल प्ले करेंगे सी पैक को पाकिस्तान की मुकद्दर बदलने में। नहीं तो इसके ऊपर आपकी कोई गवर्नमेंट के साथ कोई, आप लोगों की जो इंडस्ट्री है सारी, जो थिंक टैंक है आप लोगों का जहाँ प्लानिंग होती है उनकी ऑब्वियसली, तो आप लोगों की के पाकिस्तान के ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो सी पैक को देख रहे हैं, आप लोगों के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, डेवलप हुई है? हाँ बिल्कुल। और आप लोग सेटिस्फाई हैं कि भी आपकी इंडस्ट्री? हाँ, ये सवाल जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो ना, ये सवाल का जवाब मुश्किल है, लेकिन बाहर कोशिश करना हमारा फ़र्ज है। एंटरप्रेन्योर का, थिंक टैंक का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रीज का कोशिश करते रहना फ़र्ज है। लेकिन ये सी पैक बजाते खुद एक बहुत बड़ा जो गेम चेंज होता है, कह दें कि बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज है। इसके अंदर फॉरन पॉलिसी का बड़ा अहम रोल है जी, और ये रीजनलाइजेशन को एक रूज पे लेकर जा रहा है। और ग्लोबलाइजेशन कभी भी नहीं चाहेगी कि वो पीछे रह जाए और ये कोई खास रीजन बहुत आगे निकल जाए। तो ये गेम हमारी सोर्सेस पर ज़्यादा ऊपर की है। इसके अंदर जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी एक बड़ी खास रोल अदा करते हैं, और इसके अलावा फिर टेररिज्म, उसके अलावा फिर जियोग्राफिकल जो चेंजिंग्स हैं और क्लाइमेटाइजेशन, उसके बाद ये तमाम चीज़ें इसके साथ लथी हुई हैं सी पैक के साथ। सी पैक एक पूरा लाइफ पैकेज है जो पूरी दुनिया की जो पूरी दुनिया की जो रैंकिंग है उसे बदल देगा, मुल्कों की रेटिंग बदल देगा। इसलिए वो उस सी पैक का हम खुशकिस्मती से ये जो है ना हिस्सा है उसके लास्ट एंड का के जो इंडियन ओशन के साथ जो काम मिलते हैं वही जाता है ऊपर सी आई कंट्री में, उसके बाद यूरोप से जाके मिल रहा। तो ये गेम चेंजर नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम है, और इस बहुत बड़ी गेम के अंदर हमें बड़ी होशमंदी के साथ और खामोशी के साथ, जब हम शोर मचाते हैं बड़ी गेम में, और अभी बड़ी गेम शुरू भी नहीं हुई होती तो शोर मचाने पहले टाइम से पहले वो तो वक्त से पहले हम अपने रिस्क के लिए खराबी पैदा कर देते हैं। तो हमेशा जो प्लानिंग को तो हज़रत अली का भी रतलाना कॉल है कि प्लानिंग छुपा के रखो, प्लानिंग छुपा के, और जब तक रिजल्ट ना हासिल हो जाए। तो काशिफ साहब, आप लोग रेडी हैं, तैयार है यानी कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, जैसे सी पैक का जो आ रहा है, यानी कि बतौर इंडस्ट्री में बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान दूसरी चीज होती है ना, हम लोगों की प्लानिंग नहीं होती है, हमारी प्रोडक्ट्स वैसी नहीं होती इंटरनेशनली, हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, यानी कि आप लोग रेडी हैं उसके लिए? ये माशाल्लाह स्टील इंडस्ट्री ने सी पैक के हवाले से एज ए होल इस पूरी स्टील कम्युनिटी ने बड़ा अच्छा ग्रो किया, बहुत सी नई प्रोडक्शंस इनकॉर्पोरेट हुई हैं और जदीद हुई हैं और अच्छी क्वालिटी इम्प्रूव इन क्वालिटी जो है ना मार्केट में आई है, और हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो सेकंड फेज़ के लिए हमारी पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री इंशाल्लाह तैयार, थर्ड फेज़ में फिर जब सेकंड फेज़ में कमाएंगे तो फिर अपने को और बड़ा करेंगे, और थर्ड फेज़ के लिए फिर हम मजीद अपने आप को तैयार कर लेंगे। लेकिन सेकेंड फेज़ के लिए इंशाल्लाह हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है एज ए होल कम्युनिटी के तौर पर वो तैयार। बहुत अच्छी बात है काशिफ साहब। मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री की यानी कि जो आपके है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं टोटल, यानी कि आम एक फहम इंसान समझने के लिए उसको तो वो गार्डर्स और वो इस तरह की चीज़ों को पता होगा जी,
तो पाकिस्तान में मोल्ड स्टील के पास सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें आई बीम्स हैं, एच बीम्स हैं, एंगल बार्स हैं, टी आर एन हैं, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रिप्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, फिर जो गंदम कटती है उसमें कुछ पिने लगती हैं, उसे हम पंजाबी में तो कुछ और कहते हैं लेकिन उसको कहते हैं हम गंदम कटाई के लिए सरिया, तो वो भी हम बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर स्टील बार्स हैं, स्टील बार्स में डिफरेंट ग्रेड्स हैं कि अच्छी क्वालिटी 10 मरले के घर के लिए भी, 20 मरले के घर के लिए भी, एक नाल के लिए भी, और फिर अगर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है डैम का उसके लिए उससे ज़्यादा हाई ग्रेड्स, उसके अलावा फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो इस तरीके से हमारे तकरीबन 25 ग्रेड्स बनते हैं और तकरीबन मोर देन 400 इसके साइज बनते हैं। तो इस लिहाज से हम मॉडल स्टील जो है पाकिस्तान में प्रोडक्ट रेंज के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। काशिफ साहब, बातें तो बहुत सारी है ठीक है, जो कि एक नशिस्त में नहीं कंप्लीट हो सकती। कोई मैसेज आप जो हमारे चैनल के आप हवाले से कुछ पाकिस्तानी कौम को, न्यू कमर्स को, जनरेशन को देना चाहते हो? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे तो आपकी सारी जो थी ना इंटरव्यू मैं देखा जो, तो माशाल्लाह बहुत ही वो एनर्जेटिकली और बड़ा ही प्रोडक्टिविटी था, तो थोड़ा सा प्लीज फॉर फ्यू वर्ड्स। मैं किसी को कोई नसीहत नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे की गई थी मेरे मेंटर्स की तरफ से मैं उसको रिपीट कर देता हूँ प्लीज, कि सबसे पहले ख्वाहिश का डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे सोशल लाइफ की हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे बिजनेस लाइफ की हो, तो जो भी गोल पर्पज़ है उसके लिए पहले ख्वाहिश का डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इमेजिनेशन, उसको होता हुआ देखना, उसको अपने मौजूदा हालात के देखना ये हो चुका है, तो सबसे पहले डिज़ायर, उसके बाद इमेजिनेशन, उसके बाद फिर प्लानिंग, उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर डिटर्मिनेशन, उसके बाद फिर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट पर्सनैलिटी उसके अंदर कि नहीं मैंने करना है, ये होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद शामिल है, ये अच्छे कोर्स के लिए, अच्छे पर्पज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, ये होगा, और सबका अहाता जो करता है वो फेथ, यकीन, जो कि कादिर साहब ने भी हमें कहा, तो सबसे बढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमें सिखाया ही फेथ। सारे जो हमारी जिंदगी का जो निचोड़ है फेथ, यकीन, लेकिन विद अटेम्प्ट्स, विद एफर्ट्स। तो ये मैंने आपको विद ऑब्जेक्टिव्स, तो ये मैं चीज़ें बताई जो मेंटोर ने मुझे सिखाई थी, तो मैं अक्सर लोगों को जो मुझे किसी ने सिखाया तो मैं उसको आगे पास ऑन करता हूँ। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, मेरी बेस्ट विशेज जो है आपके इदारे के साथ है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नशिस्त में जी। नाज़रीन, ये थे महर काशिफ साहब जो कि मॉडल स्टील इंडस्ट्री के सीईओ थे, आपने उनकी बातें सुनी। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए शाहिद को अगले प्रोग्राम तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।